नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई लोग, आईपीएल 2024 का 7th मुकाबला एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने होगी बड़ी चुनौती गुजरात टाइटंस की। नया कप्तान शुभमन गिल बनाम नए कैप्टन रुद्राज गायकवाड हमें देखने को मिलेंगे, दो यंगस्टर्स आमने सामने। तो क्या रहने वाला है समीकरण, कौन से हैं खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, वेन्यू का क्या लेखा जोखा है और आखिर हमारी फैंटेसी टीम में कौन से हो सकते हैं वो सभी खिलाड़ी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग, आईपीएल बोनांजा के कौन से हैं वो तीन सवाल जिनके सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज, सभी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। एंड एज यूजुअल शुरुआत हम करते हैं वेन्यू के साथ। दोस्तों, चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है और अभी तक अगर आप देखें तो 131 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले गए हैं और सबसे पहला मैच आईपीएल 2024 का जो ओपनर मुकाबला था वो भी यहीं पे खेला गया था और चेन्नई सुपर किंग ने सेकंड बैटिंग करते हुए मुकाबला जीता था। हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का यहां हमेशा अपर हैंड रहता है। अब अगर बात करी जाए यहां पर एवरेज स्कोर की तो वो 158 से 160 के बीच में हो सकता है। आपका हाईएस्ट स्कोर सीएसके का है 246 रन 5 विकेट पर और लोएस्ट स्कोर बनाया है आरसीबी ने 70 रन 10 विकेट पर। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे 50 बार स्कोर गया है, 150 से 169 के बीच 40 बार, 170 से 189 के बीच 22 टाइम्स और 19 दफे 190 बार स्कोर जा चुका है। अब यहां पर जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करी जाए तो टोटल 9 विकेट दोनों इनिंग्स में चटकाए गए थे, 8 विकेट पेसर्स ने, मात्र एक मात्र विकेट जो कर्ण शर्मा ने लिया था आरसीबी की तरफ से वो स्पिनर की झोली में गिरा था। भाई पेसर्स का यहां पर दबदबा हमने पहले मुकाबले में देखा है और इसी के साथ आईपीएल बोनांजा का पहला सवाल आ जाता है दैट व्हिच प्लेयर विल टेक द मोस्ट विकेट्स इन मैच नंबर 7। ये है आपका पहला सवाल आईपीएल बोनांजा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टीम्स। हेड टू हेड कंपैरिजन में दोस्तों टोटल 5 दफे दोनों टीम आमने सामने हुई है, 2 बार चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, 3 बार गुजरात टाइटंस का बोलबाला रहा है, जिसमें कि भैया पिछले सीजन का जो फाइनल मुकाबला था वो तो हम सभी को याद ही है, वही चेन्नई ने गुजरात पर जीत दर्ज करी थी कला धोनी की कप्तानी में। अब ऋतुराज गायकवाड का समय है, तो दूसरी ओर है शुभमन गिल जिनके साथ है राशिद खान, अजमतुल्ला उमर अजाई और डेविड मिलर जैसे धाकड़ खिलाड़ी। तो चलिए बात करते हैं टीम्स की, नजर डालते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स पे। पहले नजर डालते हैं भाई चेन्नई की टीम पे, ऋतुराज गायकवाड, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, ये तीनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। भाई पहले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ ऋतुराज भले छोटी पारी खेले थे बट रचिन रविंद्र ने धमाकेदार प्रदर्शन किया था एंड सेम गोज विद अजिंक्य रहाणे, उन्होंने भी तेजी से रन बनाए थे। एंड अगर स्टैट की बात करें तो रहाणे ने 27 रन बनाए थे, 2 छक्के मारे थे और रचिन रविंद्र ने 37 रन बनाए थे जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो ये हैं दोनों बल्लेबाज। यहां पर दोस्तों फिर एक बार लाइनअप पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको डेरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, जडेजा का प्रदर्शन अच्छा था, इन्होंने लोअर ऑर्डर में आके 1 छक्का जड़ा था और 25 रन जोड़े थे, टीम के लिए महत्वपूर्ण रन थे वो, तो जडेजा है। साथ ही साथ समीर रिजवी का ऑप्शन मिला था हमें फर्स्ट मैच में, यहां पर एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि सीएसके की हमेशा से प्रथा चलती आई है ये जो लाइनअप है ये कभी चेंज नहीं होता है, मतलब ऑलमोस्ट थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये अपनी प्लेइंग 11 सेट करके चलते हैं। वहीं टीम में अगर आप नीचे देखेंगे तो दीपक चहर, महेश दीक्षणा का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे आपको मिलते हैं एंड शिवम दुबे जो है वो आपको सब्स्टिट्यूट या फिर कहें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते नजर आ सकते हैं। अब गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो 2 ही बॉलर्स ने अभी तक विकेट निकाले हैं, पहले हैं भाई मुस्तफिजुर रहमान जो छाए रहे थे आरसीबी के खिलाफ, 4 विकेट इन्होंने निकाले थे और 7.20 की इकोनॉमी थी। वहीं दीपक चहर थोड़े से स्टार्टिंग में महंगे जरूर साबित हुए थे बट इन्होंने एक क्रूशियल विकेट निकाला था, ये दो बॉलर्स पर एक बार फिर निगाहें रहने वाली है। तुषार देशपांडे काफी महंगे साबित हुए थे पहले मुकाबले में, ये कैसा प्रदर्शन करते हैं इस पर देखना होगा दिलचस्प। अब वहीं भाई बहुत जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि मतीशा पथराणा जो है उनकी इंजरी का जो परेशानी है, जो उनकी इंजरी जो है वो जल्द से जल्द सही हो और वो टीम में शामिल हो सके। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मोइन अली का भी मिल जाता है, तो टीम के पास अभी रिजर्व प्लेयर्स भी बहुत शानदार बचे हुए हैं। अब अगर आप नजर डालें गुजरात की प्लेइंग 11 पे तो आपको टॉप पे दिखाई देंगे शुभमन गिल, ऋद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमर अजाई, राशिद खान, राहुल तेवतिया, उमेश यादव और साई किशोर, स्पेंसर जॉन
जॉनसन एंड मोहित शर्मा जो है जब गेंदबाजी होगी तो उसमें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोनों टीम्स जब आप आमने सामने देखते हैं तो एमएस धोनी है एक तरफ तो टीम ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाई देती है, इनके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक्सपीरियंस है, वहीं यंग साइड आपको नजर आएगी जो कि है गुजरात टाइटंस, बट दे कैन इंप्रेस एंड दे कैन सरप्राइज एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आप देखें मोहित शर्मा ने 2 विकेट निकाले थे, बॉलिंग अटैक इनका शानदार रहा था, मोहित ने 2 विकेट लिए थे, उमेश यादव ने 2 विकेट, अजमतुल्लाह मरजाई ने 2 विकेट लिए थे और 154 के स्ट्राइक रेट से 17 रन बनाए थे। एंड देन साई सुदर्शन की अगर हम बात करें तो 45 रन इन्होंने बनाए थे, कप्तान शुभमन गिल इन्होंने बनाए थे 31 रन, तो टीम डिसेंट नजर आती। अब यहाँ पे आ जाता है आपके आरबीएल बोलांसा का दूसरा सवाल, भाई गुजरात टाइटंस की ओर से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, ये है आपके आईपीएल बोलांसा का दूसरा सवाल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहले जो बात होती है फाइनल कंक्लूजन की, तो डेफिनेटली चेन्नई जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है, आप पॉइंट टेबल स्क्रीन पर देख सकते हैं, चेन्नई का दबदबा अभी से ही कायम होता दिखाई दे रहा है और मतलब एज फार एज जीटी इज कंसर्न चेन्नई ज्यादा बेहतर पोजीशन पे है और एक बार फिर जीतने की प्रबल दावेदार हो सकती है, बट कभी भी आप गुजरात टाइटंस को कम मत आकिएगा दोस्तों। यहां पर भले ही सेकंड बैटिंग करते हुए चेन्नई ने आरसीबी को हराया है, बट एक गेम भैया बाहर से आशीष नेहरा भी खेलते हैं, जो टिप्स देते रहते हैं वो भी कई बार कारगर साबित होती है और उसके तहत अगर हम देखें तो ये मैच बेहद अमेजिंग और कांटे की टक्कर का हमें देखने को मिलने वाला है। आईपीएल बोनांजा का यहाँ पर तीसरा सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा कि भैया इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत रही है, ये है अब आपके आईपीएल बोनांजा का तीसरा सवाल। तीनों सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं, जवाब एक साथ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर आपका जवाब होता है सही तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपनी धनराशि ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ और जल्द से जल्द आपको सभी पिछले 6-7 मैचेस के रिजल्ट जो है आईपीएल बोनांजा के सभी के विनर्स हम आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें।